माइक खास इंटरव्यू है। बाजी राहुल गांधी जी की यात्रा पूरी हरियाणा की समाप्त हो चुकी है, पंजाब में एंट्री कर चुके हैं, हरियाणा का माहौल आपने क्या लगा? भारत जोड़ो यात्रा कितनी सफल? बहुत जबरदस्त है। आम जनता मिल नहीं सकती जी राहुल गांधी से, पांच उसके पांच लेयर में उनकी सिक्योरिटी थी, कोई आदमी दो रहा फेंक के मारा है, मारे बल के नहीं जा सकते। बड़े बड़े नेता लोग एक सेल्फी हो जाए राहुल गांधी। मैं भी वही था जी, मैं भी मैं तो उनका एक छोटी सी इंटरव्यू की बाइट करने जाऊं था तो मैंने रवीश कुमार जी मिल गए। मैं बोला रवीश कुमार जी से क्या लगा राहुल गांधी की यात्रा को, बोला मैं तो इंटरव्यू करना था, मेरे को इंटरव्यू देने से मना कर दिया। तो मेरे बल का तो इंटरव्यू चलते चलते इंटरव्यू नहीं होते, माथे पे तो हम फोरहेड पे यहाँ पे हम कर सकते हैं, लेकिन सीधा गाल पे किस करना है, एक बार दो बार तीन बार बराबर के भाई बहन है, क्या दिक्कत होगी? राहुल गांधी जी ने हरियाणा में आते ही कुमारी जी को लिया, शैलजा जी को लिया, रणदीप जी को लिया, हुड्डा साहब को लिया, सबको ले लिया। उनको कहते थे तुम अपना काम करो भाई, ये राजनीतिक नहीं, इसको राजनीति से परे। वो एक पारिवारिक संगठन है। अब आप इस तरीके से सबसे लास्ट में हरियाणा का रोजगार है, मतलब विफल रही है सरकार। आप क्या कहना चाहोगे, 10 साल में कांग्रेस ने ज्यादा नौकरी दी थी या घुमा फिरा के भाजपा नौकरी गणी दी थी? घुमाना फिराना क्या है जी? तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई खास इंटरव्यू है, हमारे कांग्रेस के पूर्व विधायक श्री अनंत सिंह डांगी जी हमारे साथ हैं। बाबूजी राम राम। राम राम जी, धन्यवाद आपका, कैसे आपका स्वागत, मैं स्वस्थ हूं। भाई मैं बता देता हूं, कुछ सेलेक्टेड नेता हैं जो मेरे फेवरेट हैं, अनंत सिंह डांगी जी मेरे फेवरेट हैं। हालांकि लोग उनको आग्रह, भाई पत्रकार ने बात बोलनी नहीं चाहिए, मैं एक रिपोर्ट मैं एक यूट्यूबर हूं ना कि पत्रकार, फिर भी समाज की जो विषय हैं सामने रखने की कोशिश करता हूं। आज हमारे साथ हैं तो दो चार कड़वे सवालों के साथ बात कर लेते हैं। बाजी राहुल गांधी जी की यात्रा पूरी हरियाणा की समाप्त हो चुकी है, पंजाब में एंट्री कर चुके हैं, हरियाणा का माहौल आपने क्या लगा? भारत जोड़ो यात्रा कितनी सफल? बहुत जबरदस्त, हजारों हजारों युवा भी, बूढ़े भी, महिलाएं भी, बहनें भी, भाई भी, सब ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के भारत जोड़ो यात्रा का साथ दिया, समर्थन किया, सहयोग करा। और मैं समझता हूँ कि ऐसी यात्रा आज तक कभी इस देश में नहीं हुई। पहले कभी आज़ादी की लड़ाई थी, अंग्रेज़ों को बाहर निकालने के लिए महात्मा गांधी ने करी थी। अब दोबारा राहुल गांधी ने जो है ये स्टेप उठाया है, और ये स्टेप भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो सफ़र है पूरे देश का एक कोने से दूसरे कोने तक, बहुत बढ़िया स्टेप है। और जिस प्रकार का रिस्पांस पूरे देश में आया है, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। बाबूजी आप यूँ कहो कि भाई इतने हज़ारों हज़ार लोग जुड़ रहे थे राहुल गांधी की यात्रा में, मैं यूँ देखूँ था जब दीपेंद्र जी चले थे तो दीपेंद्र जी के फैन फॉलोअर के साथ थे, जब कुमारी शैलजा जी चले थी तो उनके फैन फॉलोअर उनके साथ थे, अलग से कौन आदमी जुड़ा? सारे कांग्रेसी ही तो थे, अलग से कौन जुड़े? जी तो हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी जुड़ेगी, और अलग अलग से भी बहुत प्रबुद्ध लोग जो है ना बीच में आकर के मिले हैं, सारी बातें हुई हैं। तो बाबूजी ऐसा हो कि भाई हाँ भाजपा के नेता आए हैं, उन्होंने भी ज्वाइन कर ली, इनेलो भी आ गई, जजपा भी आ गई, तो यूँ लगता भाई हाँ अच्छी चीज़ होगी। वो चीज़ जो है ना, देखो ये राजनीति है, राजनीति में हर एक आदमी की अलग से आकांक्षाएं हैं, लेकिन ये यात्रा जो है, चलो पॉलिटिकल आदमी कर रहा है तो आप लोग यही कहे कि राजनीतिक है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो टॉपिक है भारत जोड़ो यात्रा, उसमें राजनीति कम है और भाईचारा, देश की एकता अखंडता की बातें ज़्यादा हैं। जो आज के जो हालात हैं इस देश के, कहीं धर्म की बात है, कहीं जाति की बात है, कहीं किसी चीज़ की बात है, अफरा तफरी का माहौल है देश के अंदर, और उसका बड़ा कारण यही है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो ठीक ढंग से इस बात को ना लेकर के अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जात पात का सहारा लेने लग रहे हैं, धर्म का सहारा लेने लग रहे हैं, हिंदू मुसलमान का सहारा लेने लग रहे हैं। जनता की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, जनता की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, जनता महंगाई से त्रस्त है। आम जनता मिल नहीं सकती जी राहुल गांधी से, पांच उसके पांच लेयर में उनकी सिक्योरिटी थी, कोई आदमी दो रहा फेंक के मारा है, मारे बल के नहीं जा सकते। बड़े बड़े नेता लोग उनको भाई एक सेल्फी हो जाए राहुल गांधी। मैं भी वही था जी, मैं भी साथ चला हूं जी, मैंने भी बैठ करके उनके साथ बात करी है। आम जनता और आप में तो फर्क है ना जी। मेरा बेटा भी, बाबूजी मेरा बेटा भी, मेरा बेटा भी मिला जा करके। आप तो जी नहीं 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 ना कि क्रीम है ना, इस तरह मत करो आप। फिर राहुल गांधी से हजारों लोग मिले हैं चलते चलते, कोई भी
नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो मैं कमेंट बॉक्स में बताइए कितने के मिले, लेकिन मैं जोकर कमुए है कि बाबूजी जोकर कमुए है। नहीं, मैं तो देखा है, मैं साथ चलाऊं, और उसमें जिस प्रकार से कोई भी जाकर के बीच में जाकर के जो है ना हाथों में हाथ डाल करके बात करने लग गया, औरतें की औरतों से बात, खिलाड़ी गई खिलाड़ियों से बात, किसान गए किसानों के साथ बात, आप कैसे कह सकते हो कि राहुल गांधी ने किसी से बात नहीं करी? अब फगा फगा मारे थे, बिल्कुल गलत चीज़ है। खूब लोगों से जिस कदम से शुरू करा आखिरी कदम तक लोगों के बीच में रह करके, लोगों की भावना अनुसार, लोगों की बातचीत, लोगों की दुख तकलीफ, देश प्रदेश के हालात सब के बारे में जो है ना अलग अलग आदमी से डिस्कशन और मिला जुली करिए। मैं तो उनका एक छोटी सी इंटरव्यू की बाइट करने जाऊँ था, तो मैंने रवीश कुमार जी मिल गए। मैं बोला रवीश कुमार जी से क्या लगा राहुल गांधी की यात्रा को? बोला मैं तो इंटरव्यू करना था, मेरे को इंटरव्यू देने से मना कर दिया। तो मेरे बर का तो इंटरव्यू चलते चलते इंटरव्यू नहीं होते ना, जब जैसे व्यक्ति को देखो जब हजारों आदमी पीछे पीछे चल रहे हैं, साथ चल रहे हैं, उनको बीच में रोक करके आप कैसे बात कर लोगे? समय होता है, समय में खुली प्रेस वार्ता हुई है, सारी चीज़ें हुई हैं, आप लोग वहाँ जाओ, उनसे बात करो, अपना उसका जवाब लो, सारी चीज़ हो जाएंगी। लेकिन यूँ हजारों आदमी साथ साथ चलने लग रहे हैं, फूल भीड़ है, और भीड़ में जा करके आप उसके मुँह का गड़ा के नहीं ये कहो भाई जो है ना आप मेरे सवाल का जवाब दो, तो ये संभव नहीं है। चलो ये बात आपके मैं मान सकता हूँ। अच्छा, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा बहुत सही चल रही थी, बहुत अच्छा इंप्रेशन था लोगों में, ये था भाई अब तो राहुल वो राहुल नहीं रहा, अब तो मैच्योर हो गया ऐसा सुनने में आया, बड़ी खबरें चली। लेकिन एक तो वो सर्दी ना लगने वाला वीडियो उनका वायरल हो गया, भाई सर्दी तुम ठंड से सर्दी लगती है नहीं लगती है, अरे को भाई बहन का प्यार, ये थोड़े से दो ऐसे मामले हैं जो वायरल ज़्यादा हो गए कहीं ना कहीं। देखो भाई बहन का, भाई भाई का, माँ बेटे का, माँ बेटी का, जो प्यार का जो हमारा सांस्कृतिक सिस्टम है, जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, उसके हिसाब से मैं गलत नहीं मानता। भाई बहन को चूम रही आपका है, बहन है जी, मेरे बहन है, क्या आप ऐसे इस तरीके से किस कर सकते हो? क्यों नहीं, माथे पे तो हम फोरहेड पे यहाँ पे हम कर सकते हैं, लेकिन सीधा गाल पे किस करना है? एक बार, दो बार, तीन बार, बराबर के भाई बहन है, क्या दिक्कत होगी? आपको लगता है कि ये ठीक है, कोई गलत नहीं? हाँ, इसमें कोई गलती नहीं है, भाई बहन का ये नहीं भाई कहीं कोई सड़क पर चलती किसी लड़की को आवाज पकड़ कर, इसे भाई बहन में कोई दिक्कत नहीं होती, भाई बहन का खून का रिश्ता है, और खून के रिश्ते में जो है ना हम अपने प्यार में जो है ना बहन का माथा, ऐसा नहीं लगता कि भाई हाँ कुछ ना कुछ बाहर मर्यादाएं होनी चाहिए? ये मर्यादा से बाहर की बात नहीं है, मर्यादा से बाहर की दूसरी चीज़ें बहुत हैं, लेकिन ये भाई बहन है, भाई बहन होने के नाते इसमें मर्यादा को कहीं त्रस्त नहीं किया गया। अच्छा बाबूजी, क्या लगा है जो हरियाणा के अंदर अपने आप में यूं को भाई पांच मुख्यमंत्री है, कांग्रेस के छह मुख्यमंत्री है, वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इकट्ठे जुड़ गए, यह श्योर है क्या? सारे एक हैं आज, ना मुख्यमंत्री के चुनाव की बात है, ना कोई इलेक्शन है जी। आज तो डट करके जनहित में, जनता के मुद्दों के साथ पब्लिक में जा करके उनकी सपोर्ट में एक लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, संघर्ष करने की ज़रूरत है। वो वक्त आएगा जब देखा जाएगा कौन क्या बनता है, जिसकी कर्म में किसकी किस्मत में भगवान ने लिखा वो बन जाएगा। लेकिन शुरू से आखिर तक सारे के सारे जो अपने मुख्यमंत्री की चाहना में है सारे इकट्ठे नहीं रहे, एक जगह से एक जगह तक वो था, एक जगह से एक जगह तक वो था, फिर वो था, फिर वो था, इकट्ठे लगातार नहीं चले। एक आदमी एक ही जगह बात कर सकता है, दस जगह नहीं। लेकिन आपने देखा होगा कि एक राहुल गांधी की इस तरफ चल रहे हैं, दूसरा इस तरफ चल रहा है, तीसरा उनके पीछे खड़ा है, या एक लाइन में चलने लग रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो नहीं तू पीछे हट किस लिए आ गया बीच में, ये तो किसी ने कहा होगा जी। सब मिल डिफेंड कर रहे हैं, सब मिलजुल करके चले हैं जी। सब मिलजुल करके चले हैं, जिस प्रकार से चलना चाहिए उसी प्रकार से चलें, जिसने जिस आदमी की जितनी ये था शक्ति थी उसके हिसाब से उन्होंने मेहनत करी है, काम किया है, और इस यात्रा को बहुत बढ़िया ढंग से साथ समर्थन दे करके कामयाब किया है। बहुत सारे लोग मेरे को ऐसे मिले, जगदीप भाई भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने कर ली, लेकिन जहाँ पे इलेक्शन था वहाँ गई नहीं, और जहाँ कुछ नहीं था वहीं घूमते रहे। वो ये कहता है कि भाई ये मेरी यात्रा राजनीतिक नहीं है, देश बड़ी बात है, साथ में सारे राजनेता ही तो थे, देश बड़ी बात है, राजनीति और इलेक्शन दूसरे नंबर की चीज़ है। जब कहते हैं भी राजनीतिक यात्रा नहीं है, तो साथ में तो सारे राजनेता ही थे उनके, कोई सामाजिक आदमी तो नहीं थे? ये हजारों हजारों चलने लग रहे, सारे राजनेता हैं, तो उनको एक को भी नहीं लेना चाहिए था ना? किसको?
कहाँ नहीं, राहुल गांधी जी ने हरियाणा में आते ही कुमारी जी को लिया, शैलजा जी को लिया, रणदीप जी को लिया, हुडा साहब को लिया, सबको ले लिया। उनको कहते थे तुम अपना काम करो भाई, ये राजनीतिक नहीं, इसको राजनीति से परे। वो एक पारिवारिक संगठन है। अब आप इस तरीके से, हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा परिवार है कांग्रेस का, कांग्रेस पार्टी का परिवार से काउंट कर रहे हैं आप। अगर राजनीति उस हिसाब से ले जाओगे तो मैं भी इसी लाइन पे आऊंगा। ये कोई राजनीति नहीं है, शुरू से जिस दिन से चले हैं ये राज, भारत जोड़ो यात्रा, धर्म का मसला, जाति का मसला और दूसरी चीजों को लेकर के बात करके चले तो राजनीति होती है। ये राजनीति नहीं, जहाँ भाईचारे की बात है, भारत जोड़ो की बात है, देश में जो कुरीतियाँ फैल रही हैं उनके खिलाफ बात करने की बात है, महंगाई के खिलाफ बात करने की बात है, युवाओं के रोजगार के लिए बात करने की बात है, व्यापारी छोटे व्यापारियों की बात करने की बात है। यहाँ के जहाँ पर जिस प्रकार से आज लोगों को गुमराह करके किया जा रहा है, लोगों को दबाया जा रहा है, लोगों की भावनाओं को बुरी तरह से कुचला जा रहा है, उन बातों को उजागर करने के लिए भारत उठो, भारत जुड़ो और इन बातों के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ो, ये है। आप कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में सारे इकट्ठे होने की बातें चल रही हैं, उठो जागो चलो, आप इस तरीके से जो करें, क्या हरियाणा में जो भी मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं कांग्रेसी, क्या उनमें से आपको लगता है कि कोई कांग्रेस छोड़ के भाजपा में भी जाने की तैयारी? कोई नहीं जाता, सभी यही है। ये शोर कितने परसेंट शोर? कांग्रेस परिवार में 100%, कोई दिक्कत नहीं। कन्फर्म है ये बात? हाँ, आप जहाँ बोल रहे हो मैं कहता हूँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब एक है। खबरें रूमर फैलता रहता है कि सभी एक हैं, जो छोड़ के जाएगा वो खत्म हो जाएगा राजनीति में, उसकी लाइन नहीं रहेगी, मैं खुली कहता हूँ ये बात जी। कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है, परिवार मेरा परिवार है, मेरे बेटे की भी हो सकती है, मेरे घरवाले की मेरी बात कुछ कहीं ताना बाना हो सकता है किसी तनातनी में किसी चीज में, लेकिन परिवार है ये, परिवार मिल बैठ करके कोई छोटी मोटी बात है तो मुका करके, आज हरियाणा के अंदर सारी कांग्रेस पार्टी एक है, एकजुट होकर के राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चल करके अपने आप को सब मिल करके जोड़ करके साथ समर्थन दे रहे हैं, चल रहे हैं। भाजपा में एक मुद्दा चला हुआ संदीप सिंह खेल मंत्री, क्या कहना चाहिए? देखो पहली बात यह है कि हम जो राजनीतिक लोग हैं जी, समाज में हमारी बहुत बड़ी बात होती है जी। लोगों का दिया हुआ जीवन होता है, आज अगर संदीप सिंह मंत्री है इस प्रदेश के अंदर जी, पहले MLA बना है, हजारों लोगों ने उसका साथ दिया है, जब जा करके वो मंत्री बनने की उसकी लाइन बनी है, वरना तो संदीप सिंह एक है, अकेला एक है, अगर लोगों का साथ है तो वो MLA भी और मंत्री भी है। हमारा एक ही कदम, हर बहन बेटी का मान सम्मान करना, इज्जत करना, हर बहन को अपनी बहन मानना, बेटी को अपनी बेटी मानना, बड़ी औरतों को अपनी माँ के समान मानने का, चलने का हमारा धर्म कहता है, हमारी लाइन कहती है, उसमें कोई आरोप आक्षेप कहीं कोई बहन बेटी लगाती है तो उसमें मैं तो ये कहूँगा अगर वो साफ है तो रिजाइन करे। कहाँ सौंप दिया, डिपार्टमेंट सौंपा है, डिपार्टमेंट छोड़ दिया, बाकी तो सारा रुतबा वही मिनिस्टर वाला है, मिनिस्टर तो है ना। तो आप क्या चाहते हैं, वो एक बार इस्तीफा दें? मैं कहता हूँ कि नैतिकता कहती है कि इस्तीफा दे, इस्तीफा दे करके इंक्वायरी में शामिल हो। जब इतनी बात है कि जो इंक्वायरी को फेस करने की उसने खुद कही है, तो इंक्वायरी में जो कुछ बात आएगी, SIT गठित की गई है एक सीनियर अफसर के, उसमें तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं भी पद पर रहते हुए इंक्वायरी चलती रहे? मैं ठीक नहीं मानता। मैंने भी एक बार PWD में इस्तीफा, मैंने इस्तीफा दिया था, हमारे फरमाने का केस था, एक बहन बेटियों का ही था, दो भाइयों को, मतलब एक की लड़का नहीं था, दूसरे भाई थे, उनकी जमीन जमीन का मसला था, उसमें किसी ने कंप्लेंट कर दी, दांगी साहब जो है ना इससे जमीन को ठीक ढंग से इन लड़कियों को नहीं देना चाहते, उस बात में मेरे ऊपर ये बात है कि मैंने रिजाइन कर दिया, और उसके बाद जो है ना सारा सुप्रीम कोर्ट तक भी मैं जो है ना मेरे को बुलाया गया, और सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार से मैंने वकील नहीं खड़े हुआ, वकील करे हमने, लेकिन चीफ जस्टिस जो है ना पता नहीं क्या क्या कहते रहे, लड़कियों के मामले करते हैं आज के राजनीतिक लोग, जमीनों को हड़पते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। मैंने वकील को कहा जी क्या बोल रहे हैं, मेरा चरित्र नहीं है ये, मैं इस लाइन का आदमी नहीं हूँ। बोले हम इस तरह से नहीं बोल सकते, जज साहब बोल, चीफ जस्टिस बोलने लग रहे हैं। तीन का बेंच था, अच्छा, हाँ मैं खड़ा हो गया,
तो मेरी तरफ जो जज बैठे थे मिस्टर आनंद थे, सीनियर जज थे, उन्होंने कहा कि मिस्टर डांगी यू वांट टू से समथिंग। मैंने कहा जी आई वांट टू से मैनी थिंग्स नॉट सम थिंग्स, वट एवर इज नरेटिंग स्पीच, मतलब जो भी था, मतलब मैंने इंग्लिश का तो मेरे घना बोलने की मैंने प्रैक्टिस नहीं करी कभी, लेकिन उस दिन 15 मिनट फराटेदार इंग्लिश आनंद सिंह दांगी ने बोली। वह जो थी दक्षता समिति की महिला समिति की एक चेयरपर्सन थी, दिल्ली में उसका दफ्तर था, मिसिज शर्मा थी वो। मैंने कहा जी आई ऑफर माई सेल्फ टू इंटरोगेट मी एंड इंटरोगेट हर आल्सो, पूरे जांच पर आई एम नॉट ऑफ दिस टाइप पॉलिटिशियन, आप इंक्वायर मेरे इलाके में इंक्वायरी करो, प्रदेश में इंक्वायरी करो, व्हाट टाइप ऑफ आनंद सिंह दांगी, उसके बाद आप करना जो कुछ भी। ये ब्लैकमेल करने लग रही हैं लड़कियों को। उसी टाइम चीफ जस्टिस ने खुद वहाँ SP खड़ा था उस एरिया का, मिस्टर धर्मेंद्र यू कम एंड इंक्वायर दिस मैटर एंड रिपोर्ट विद इन सिक्स वीक्स। हाँ आ जाओ वहाँ रिपोर्ट, सब कुछ खत्म। अगर मैं ना खड़ा होकर बोलता तो तिहाड़ जेल में पाऊँगी उस दिन। तो ये जरूरी बात होती, हम सामाजिक आदमी हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, पब्लिक से जुड़े हुए हैं। हमें अगर हमारे ऊपर कोई आरोप लगता है तो एट वंस क्विट द पद, नैतिकता कहती है ये, उस नैतिकता से के हिसाब से रिजाइन कर देना चाहिए, इंक्वायरी फेस करनी चाहिए, आ जाएगी रिपोर्ट, ठीक है तो फिर बन जाएंगे मिनिस्टर, मैं भी बना दोबारा। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूं, हरियाणा के रोजगार के ऊपर, कम है कि हरियाणा का रोजगार बिल्कुल धरती पर लग रहा है, सबसे सारे राज्यों में सबसे लास्ट में हरियाणा का रोजगार है, मतलब विफल रही है सरकार, आप क्या कहना चाहोगे 10 साल में कांग्रेस ने ज्यादा नौकरी दी थी या घुमा फिरा के भाजपा नौकरी नहीं दी थी? घुमाना फिराना क्या है जी? कोई, दे कोई कोई पद कोई इंटरव्यू सक्सेस तो नहीं हो रहा है इनका, कोई टेस्ट है वो सक्सेस नहीं है। चेयरमैन के ऑफिस से लाखों लाख रुपए पकड़े जा रहे हैं, मैं भी चेयरमैन रहा हूँ इस सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन का, चेयरमैन आनंद सिंह दांगी 2.5 साल रहा है जी। और कई हजार बच्चों के आनंद सिंह दांगी ने सिलेक्शन करे, कोर्ट में भी सिलेक्शन चैलेंज हुए, लेकिन एक भी लिस्ट क्वेश नहीं हुई। ये करने की बात है, नीति की बात है, नीयत की बात है, नीयत में जहाँ खोट है ना उस वजह से सारा सब कुछ हो रहा है। अब ये टेम्परेरी बच्चों को ज्वाइन करवा रहे हैं, टेम्परेरी नौकरी कब तक चलेगी? कल सरकार बदल जाएगी तो फिर और दूसरा में जाएगा। क्या कांग्रेस ने आज भाजपा सरकार से ज्यादा नौकरियां दी थी? कहीं ज्यादा, इन नौकरी कहाँ दी है? ये भी कौशल रोजगार चला दिया जो एक टेम्परेरी चीज है, पहले ठेकेदारी सिस्टम पर चलाते रहे जो अपने घर चले गए। तो अगर बच्चों को नौकरी देनी है तो रेगुलर नौकरी दो, इंटरव्यू करो उनके, टेस्ट करो, और टेस्ट के बाद उनका सिलेक्शन, इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन करो, पक्की नौकरी ज्वाइन करवाओ, वो है नौकरी देने वाली बात। इस तरह से लोगों को, नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है, और इनका कोई सिस्टम नहीं है कि कौन बच्चे हमारे बेरोजगार में कमी है क्या? हरियाणा प्रदेश आज देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगार है जो रिकॉर्ड में है, 37% कहीं भी नहीं है इतना। और मुख्यमंत्री जी के बोले तो गलत है, 6% हमारे, 6% तो ये मदीना मिल जाएंगे एक मदीना में। हाँ जी। और वो इस तरह की बात करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मामले में सरकार ने बहुत ठीक ढंग से सारा सब कुछ करके रोजगारों की, बेरोजगारों की डार फिर रही है, इनका इंजाम करने, वरना इसके रिजल्ट आने वाले समय में इन नौजवानों के लिए भी खतरनाक और इस सरकार के लिए भी खतरनाक। आखिरी छोटा सा सवाल जी, महम के अंदर 2024 में आनंद सिंह दांगी जीत सकते हैं या नहीं? अगर जीतेंगे तो क्यों? और बस इतना ही। देखो मैं तो जनता का प्यारा हूँ और जनता से प्यार करता हूँ, लोगों ने फैसला करना है, और उस फैसले में मैं समझता हूँ कि एक बार चूक होगी दोबारा नहीं करेंगे। चूक होने का कारण क्या हुआ? कोई हो सकता, कोई भी हो, कर्म किस्मत की भी बात है, एक पैसे का खेल ज़्यादा हो गया। यहाँ तो एक पैसा पैसा नहीं, शहर से मीट भी पैक कर करके लोगों के घरों में भेजे गए हैं, जो कि इस महम हल्के में मैंने कितने इलेक्शन लड़ लिए, चौधरी देवलाल के इलेक्शन से लेकर के अपने इलेक्शनों तक, बीच में भूपेंद्र हुड्डा का भी, दीपेंद्र का भी, चौधरी देवलाल के भी 3 इलेक्शन, सारे सब कुछ किए मैंने। आज तक अपने इलेक्शन में एक पैसा, एक बूंद शराब ना किसी ने मेरे पर मांगी ना मैंने दी। भाईचारे का इलेक्शन लड़ा है, दुख सुख का इलेक्शन लड़ा है, लोगों के काम का इलेक्शन लड़ा है, काम किया आनंद सिंह दांगी ने।
पूरे हलके के अंदर किसी स्कूल की डिमांड नहीं। आज तीन तीन कॉलेज हैं, तीन तीन आईटीआई हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज। ये काम तो बराज कुंडू जी भी कर रहे होंगे। कितने कोई एक कमरा बनवाया हो कितने स्कूल में, वो तो बता दो मैंने। फ्लड इतना बुरा, लोगों का सत्यानाश हुआ पड़ा है, सैकड़ों एकड़ आज भी जो होना बिजाई के बगैर खड़ी हैं, पता नहीं कहाँ। एक बार गैस में आपके टाइम में नहीं थी, मैंने एक एक खूट भिजवाया, समस्या थी लेकिन समाधान समय पर समाधान करके एक खूट भी कभी नहीं छोड़ा। 1995 में फ्लड आया था जबरदस्त जी, उससे बड़ी फ्लड नहीं आ सकती बिल्कुल। और उस टाइम भी मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था, उस टाइम एक एक इंच जमीन किसान की मैंने बिजाई का जो होना इंतजाम करा, सारा पानी ड्रेन आउट करके समय पर सारा सब कुछ करा। और उसके बाद जितने दिन मैं रहा हूँ, आप किसी गांव में जाकर पूछ लो, भाई दंगे के गए टाइम में भी कोई जमीन बिना बिजाई रहेगी, कोई नहीं मिलेगी आपको। ये तो नियत की बात, करने की बात है। खाली पजामा टैंक पानी में जा खड़ा होगा ना, एक बजे का आरो पानी, और फिर कितने वैसे तो देखो वो आदमी बस भी चला रहा है। हाँ हाँ चला रहा है, बस चला रहा है, पैसे का खेल है, बस चला रहा है, बस सेवार्थी कर। मैं क्या कहूँ, ये बस सारी एनजीओ की बस हैं जी, एनजीओ भी तो नहीं की होगी ना, काले धन को सफेद करने लग रहा है। रबी कर लेते कुछ ऐसा ही, मैं नहीं कर सकता, मैं तो ईमानदारी की रोटी खाता हूँ अपने खेत से। काला धन भी सफेदा कर रहा है तो आम जनता का तो फायदा हो ही रहा है ना। कोई फायदा नहीं, सही ऐसा सबको काला कर रहा है। जो आदमी उस पैसे से फायदा उठाता है, चाहे हरिद्वार नागा, हरिद्वार नाना, धर्म का काम करना, अपनी जेब से खर्च करके वो धर्म लागेगा कि किसी के और सारे पे बैठ कर न जाना जाएगा ना, धर्म लागेगा। माहौल खराब करने लग रहा है, भाईचारे का माहौल खराब, घर परिवार का माहौल खराब, सारा सब इस तरह से बातें। कोई हमने भी बस सरकारी बस लगा रखी थी लड़कियों के स्पेशल, जिनका किराया भी नहीं लगता था। ये ठीक है, ये दो नंबर का सौदा है सारा। अब भाई जेल में चला गया, इसके पीछे पुलिस घूमने लग रही है, पीछे जो है ना कई केस इसी तरह के पंचायत होती फिरी। फिर आपने कुछ दिखाया भी नहीं भाई, इसने कुछ गड़बड़ कर रखी। आप लोग सब कुछ देखने लग रहे हैं, मैं छोटी बातों में नहीं जाता, मैं अपना कर्म करता हूँ ईमानदारी के साथ। तो आम जनता महम आ रहता है, रियाना रहता है, कि कुछ कहना चाहोगे? बस यही है, मिलजुल करके रहो, प्यार प्रेम से लो, भाईचारा जोड़ करके चलो। सबसे बड़ी चीज़ आप उसका भाईचारा, आप उसका प्यार प्रेम है, उसके साथ मिलजुल करके अच्छे समाज का निर्माण करो, और सब मिलजुल करके एक अच्छा हरियाणा जिसमें रोजगारों को रोजगार मिले, महंगाई से पीछा छूटे, हर आदमी को बढ़िया ढंग से जीने का अधिकार मिले, यही मेरी काम। बहुत बहुत शुक्रिया। और कैमरे रहे हो तो और हो तो आप पे बता दो। तो भाई ये आनंद सिंह डांगी जी और मेरे फेवरेट इसलिए हैं क्योंकि इनके ऊपर कोई करप्शन का चार्ज है नहीं, अगर मैं जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, होगा तो भाई आपने बता होगा। इंक्वायरी कर लो पूरे देश में, प्रदेश में, ठीक बात है जी, पूरे देश प्रदेश में करो ये काम जी। तो भाई इसीलिए मेरे फेवरेट नेता हमारे आनंद सिंह डांगी जी, कैसे ही सवाल कर लो, किसी टाइम कर लो, कुछ पूछ लो, कोई प्री प्लान नहीं होता भाई। सबसे शानदार व्यक्ति तो हमारे आनंद सिंह डांगी जी का। आपने वीडियो किसी लगी कमेंट बॉक्स में रहते, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।